दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत ब्लॉग में। आज आए हैं हम गांव सोरनपुरी वासु में और ये है दीपक भाई का घर। इन्होंने आज माता रानी का बहुत ही सुंदर भव्य जागरण का आयोजन किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये है दीपक भाई के घर में जो मंदिर बना रखा है भोलेनाथ का और माता रानी का पूजा पाठ करने के लिए। कितना सुंदर ये मंदिर है और कितना सुंदर ये दरबार सजा रखा है माता रानी का दीपक भाई में उनकी फैमिली ने। देखिए दोस्तों, जागरण से पहले पूजा पाठ होनी ज़रूरी होती है और यहाँ पूजा पाठ करते हुए उसके बाद फिर बहुत ही सुंदर और अद्भुत जागरण का शुभारंभ किया जाएगा। देखिए, ये है दीपक भाई और उसकी पूरी फैमिली और सभी रिश्तेदार मेहमानों को इन्होंने बुला रखा है। मुझे भी इनवाइट किया, जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस सुंदर क्षण, इस सुंदर जागरण, भव्य जागरण में मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इस बच्ची द्वारा माता रानी की जोत प्रज्वलित की जा रही है और उसके बाद स्टार्ट होगा सुंदर प्यारा सा जागरण। देखिए यहाँ पर आरती हो रही है जो जलने के बाद। आइए आपको दिखाते हैं पूरा भव्य जागरण। We'll be right back.
आई हैं, तो ये परिवार वाले किस तरह इस माँ का फूलों से स्वागत कर रहे हैं, फूलों वाली वर्षा कर रहे हैं। परिवार वाले खड़े हो जाए सभी अपने अपने स्थान पर। दादी के भवन में फूलों वाली भरेसा, दादी के भवन में फूलों वाली भरेसा, 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 रंग मिल कर दो फूलों वाली भरेसा, रंग मिल कर दो फूलों वाली भरेसा, भाई के भवन में फूलों वाली सरस्वती को याद किया जाता है। तो आइए चंदलाई ने माँ सरस्वती के चरणों में उसके बाद जैसे मेरी माँ की बड़ा गोरे गोरे आ रहा है। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर और मनमोहक वीर हनुमान जी की यहाँ पर सुंदर झांकी निकाली जा रही है इन कलाकारों द्वारा। दोस्तों ये जो कलाकार है काशीपुर के हैं, काशीपुर का ये झांकी ग्रुप है, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर झांकी निकालते हैं। आजकल बुकसार में ये बहुत चल रहा है, हर जगह मैं नहीं देखता। माँ का दरवाजा जोरदार तालियां बच्चों उठा लो सीधे सीधे हाथ दरबार में सीधे सीधे और लगा के ताली कहना क्या और सारे जग में मैया सा दरबार में बोलो जरा मिलकर बोलो जरा जोर से बोलो हाथों को उठा लो जरा ताली बजा लो जरा मान बुला लो मेरी माँ बोली भर देगी झोली मेरी माँ बोली भर देगी झोली। एक बात और कहना चाहती हूँ, कहना क्या है?
Thank you.
देखिए दोस्तों, एक और सुंदर मनमोहक झांकी भोले शंकर और माता पार्वती के रूप में ये कलाकार अपने इस नृत्य कला से सभी का मन मोह रहे हैं और इसी के लिए ये कलाकार जाने जाते हैं। दोस्तों ये है काशीपुर का झांकी ग्रुप। अगर आपको अपने घर या अपने गांव में इन लोगों को बुलाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, करणी भाई से संपर्क कर सकते हैं, बस्सू वाले से, वो आपको इन कलाकारों से पिला देंगे। बहुत ही मनमोहक ये झांकी निकालते हैं काशीपुर ग्रुप वाले। जितनी मेरी औकात नहीं, ये नजरे कर्म है आपका, वरना इस जलवा में ये तो लगा तू ना करे ते करे केड़ा, मेरी जरूरत पूरिया लोग तंग दे मेरे ऐब गुनाह, मैं तंगदा रहमता तेरिया। क्योंकि मतलब किस दुनिया में नहीं बैठ जाइए, मिल जाएगी चाय यहाँ बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा नहीं बैठ। क्या नाम है? अंश। अंश बेटे नहा के आयो आज, जरूर चाय मिलेगी, लो ये लो, चाय के साथ भिगो के खाना है इसे, दिल पर लो बड़ा फरसाते बेटे दोनों हाथ से लेके। आजकल इसी का सीजन है, ढूंढने से भी ना मिल रहे। 50 रुपए का एक ही दिया, तेरा पूरा ठेला दे दूंगी 50 में। हाँ मुझसे कह रहे कहाँ से आया, मैं कहा थोड़ा सा बड़ा दे दो ना, 50 में इतना मिलेगा, नोट ही 50 का था मेरे पास, अब है ना वो भी देखना है उसे। आइए I'm gonna go get some more.